कांग्रेस मुक्त भारत है मेरा स्लोगन नहीं है, मैं तो महात्मा गांधी जी की इच्छा पूरी कर रहा हूँ। महात्मा गांधी ने दुरंदेशी के साथ बहुत चतुर बनिया था, वो उसने आजादी के बाद तुरंत कहा था कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए। साल 2017 भाजपा की रायपुर में एक रैली चल रही थी। इसी दौरान मंच से उस वक्त के भाजपा प्रेसिडेंट अमित शाह ने गांधी जी और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद कांग्रेस में घमासान मच गया। अमित शाह ने इस रैली में मंच से दावा किया कि आजादी के बाद गांधी जी कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने गांधी जी को एक चतुर बनिया तक कह दिया। सुनिए 2017 में अमित शाह ने उस रैली में क्या कहा था। कांग्रेस एक विचारधारा के आधार पर, एक सिद्धांत के आधार पर, किसी एक सिद्धांत को लेकर बनी हुई पार्टी ही नहीं है, वो आजादी प्राप्त करने का एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, आजादी प्राप्त करने का एक साधन थी और इसीलिए महात्मा गांधी ने दूरंदेशी के साथ बहुत चतुर बनिया था, वो उसको मालूम था आगे क्या होने वाला है, उसने आजादी के बाद तुरंत कहा था कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए। महात्मा गांधी ने नहीं कहा, मगर अब कुछ लोग उसको बिखेरने का काम समाप्त कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अमित शाह ने आखिर ये तथ्य दिया किसके हवाले से कि गांधी जी कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे, और क्या वाकई भाजपा के इस दावे में कोई दम है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट, और ये किस्सा है गांधी जी की कांग्रेस को लेकर राय पर। सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की कि आखिर अमित शाह ने यह बयान किस आधार पर दिया था। इस बात का जवाब मिलता है इतिहास के 50 वायरल सच किताब से, जिसे विष्णु शर्मा ने लिखा है। इस किताब में यह दावा किया गया है कि एंथनी जे परेल की किताब हिंद स्वराज एंड अदर राइटिंग्स में इस वाकये का जिक्र मिलता है, जिसे भाजपा गांधी जी की आखिरी ख्वाहिश की तरह प्रचारित करती है। असल में एंथनी जे परेल की किताब में उन लेखों का जिक्र मिलता है जिसे गांधी जी ने समय समय पर लिखा था। विष्णु शर्मा के मुताबिक इस किताब में गांधी जी का वो लेख भी है जो उन्होंने अपनी हत्या के एक दिन पहले लिखा। ये लेख हिंद स्वराज एंड अदर राइटिंग्स किताब के पेज नंबर 191 पर छपा है। अब इस लेख में गांधी जी ने आखिर लिखा क्या था। विष्णु शर्मा के मुताबिक गांधी जी अपने लेख में लिखते हैं, हालांकि हम दो टुकड़ों में बंट गए, लेकिन देश को आजादी दिलाने के लिए कांग्रेस को श्रेय जाता है, लेकिन अभी भी देश के 7 लाख गांवों को कस्बों और शहरों से इकोनॉमिक, मॉरल और सोशल आजादी प्राप्त करने की जरूरत है। गांधी जी आगे लिखते हैं, कांग्रेस को पॉलिटिकल पार्टीज और सांप्रदायिक संस्थाओं के साथ अनहेल्दी कंपटीशन से दूर रहना चाहिए। इन वजहों या इन जैसी वजहों के चलते ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को अपने वर्तमान कांग्रेस संगठन को खत्म करने का संकल्प लेना चाहिए और इसे एक लोक सेवक संघ के रूप में बदल देना चाहिए। वैसे ये इंटरप्रिटेशन विष्णु शर्मा की है, जिन्होंने एंथनी जे परेल की किताब से गांधी जी के कहे का निष्कर्ष निकाला, क्योंकि विष्णु शर्मा अपनी किताब में लिखते हैं कि गांधी जी ने अपने लेख में चाहिए शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए वो एक संकल्प की ही बात कर रहे थे। हालांकि किताब के मुताबिक गांधी जी ने अपने उस लेख में कांग्रेस को एक लोक सेवक संघ की तरह काम करने के लिए कुछ सुझाव भी दिए थे। गांधी जी ने सुझाव दिया था कि कैसे 5 लोगों की एक पंचायत हर गांव में होगी और कैसे बाद में पंचायतें मिलकर बड़ी संस्थाएं बनाएंगी आदि। विष्णु शर्मा लिखते हैं कि गांधी जी विचारों से राजनीतिक थे ही नहीं और सत्ता से वो कोसों दूर थे। ऐसे में वो कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना चाहते थे, क्योंकि वो कांग्रेस पर किसी तरह का कोई दाग लगता हुआ नहीं देख सकते थे। विष्णु शर्मा अपनी किताब में गांधी जी के नाती राजमोहन गांधी की किताब मोहनदास अ ट्रू स्टोरी ऑफ अ मैन हिज पीपल एंड एन एम्पायर के हवाले से एक जानकारी भी शेयर करते हैं। उस किताब के मुताबिक 30 जनवरी को अपनी हत्या से एन पहले भी गांधी जी कांग्रेस के ड्राफ्ट पर ही काम कर रहे थे। गांधी जी उस दिन 3:30 बजे उठे
और उन्होंने अपने नित्य कर्मों से फारिग होकर 6 बजे तक कांग्रेस के ड्राफ्ट पर काम किया, जिसके बाद वो ये ड्राफ्ट अपने सचिव प्यारे लाल को देते हैं ताकि वो उसे प्रूफ रीड कर सके। ये गांधी जी का आखिरी लेख था, क्योंकि उसी शाम गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसलिए कुछ लोग गांधी जी के इस लेख को उनकी आखिरी इच्छा भी बताते हैं। खैर, ये तो हुई एक किताब की बात, लेकिन क्या इस बारे में कहीं और भी कोई जानकारी मिलती है? हमने इस बारे में खोजबीन की तो हमें इंडियन एक्सप्रेस का 21 जनवरी 2023 का एक लेख मिला, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2019 के भाषण को आधार बनाया गया था कि 2019 में पीएम मोदी ने संसद में भी यही कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना भाजपा का नहीं बल्कि गांधी जी का है। और महात्मा गांधी बहुत पहले भनक गए थे, उनको अंदाज आ गया था कि सारी बीमारियों को रिसीविंग कैपेसिटी सबसे किसी की ज्यादा है तो कांग्रेस की। और इसलिए महात्मा गांधी ने उसी समय कहा था कांग्रेस को बिखेर दो, कांग्रेस मुक्त भारत है मेरा स्लोगन नहीं है, मैं तो महात्मा गांधी जी की इच्छा पूरी कर रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस के इस लेख में गांधी जी की 1909 की किताब हिंद स्वराज का जिक्र किया गया है। इस किताब में गांधी जी एक फिक्शनल कैरेक्टर से बात करते हैं जो उनका विरोधी है और उसके सवालों के जवाब देते हैं। इस किताब का पहला चैप्टर है द कांग्रेस एंड इट्स ऑफिशियल्स, जिसमें उनका विरोधी गांधी जी से कहता है कि युवा भारत कांग्रेस को नजरअंदाज करता नजर आ रहा है और कांग्रेस को ब्रिटिश शासन को कायम रखने का एक जरिया माना जाता है। इसके जवाब में गांधी जी कांग्रेस के फाउंडर एओ ह्यूम और गोपाल कृष्ण गोखले के कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। गांधी जी अपने जवाब में ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेता हर बार सही हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में एक अहम रोल निभाया है। कांग्रेस ने हमें बताया कि हम अपने शासक खुद बन सकते हैं, कांग्रेस को इस सम्मान से वंचित करना ठीक नहीं है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये विश्वासघात होगा। गांधी जी आगे अपने लेख में लिखते हैं कि एक राष्ट्र के रूप में हमारे विकास के लिए कांग्रेस को एक ऐसी संस्था के तौर पर देखना जो विकास की विरोधी है तो ये उस संस्था के उपयोग को ही खत्म कर देगा, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश के कोने कोने से भारतीयों को एक साथ लाकर हमें राष्ट्रवाद से भर दिया है। लेकिन क्या बाद में गांधी जी के विचार कांग्रेस को लेकर बदल गए? इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख के मुताबिक इस सवाल का जवाब मिलता है गांधी जी की बायोग्राफी लिखने वाले लेखक लुइस फिशर की किताब द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी में। 1940 के दशक में कांग्रेस की भूमिका को लेकर गांधी जी के विचारों में बदलाव आया। असल में उस वक्त फ्रीडम मूवमेंट अपने आखिरी दौर में थी और आज़ादी का लक्ष्य करीब दिखाई दे रहा था। सत्ता को लेकर गांधी जी का नजरिया पहले से ही संशय भरा था। किताब के मुताबिक गांधी जी कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव कार्यों में कांग्रेस के लोगों की खास रुचि नहीं है। यही नहीं, गांधी जी सत्ता की वजह से बढ़ने वाले करप्शन की भी बात करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि लेजिस्लेटर्स एंड जजेस शासन करने वाली सत्ता के काफी करीबी हैं, तो ऐसे में वो इसे चेक एंड बैलेंस कैसे करेंगे? सिर्फ वही लोग ये काम कर सकते हैं जो सत्ता से बाहर है। अपनी इस किताब में भी फिशर गांधी जी की हत्या से एन पहले वाले उनके लेख पर बात करते हैं, जिसे उनकी आखिरी इच्छा भी कहा जाता है। बायोग्राफी के मुताबिक गांधी जी लिखते हैं कि बेशक हम दो भागों में बंट गए, लेकिन भारत ने इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा तैयार किए गए तरीकों पर चलकर राजनीतिक आजादी प्राप्त की है। गांधी जी आगे लिखते हैं कि कांग्रेस जिस मौजूदा शेप और फॉर्म में है, जो एक प्रोपोगेंडा व्हीकल और पार्लियामेंट्री मशीन है, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। इसके बाद गांधी जी लिखते हैं कि AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को राजनीतिक पार्टियों और सांप्रदायिक संस्थाओं के साथ अनहेल्दी कंपटीशन से बचना चाहिए, जिसके लिए कांग्रेस को मौजूदा संगठन को खत्म कर एक लोक सेवक संघ की भूमिका में आ जाना चाहिए। इसके लिए गांधी जी जो सुझाव देते हैं उसमें वो पंचायत जैसी एक यूनिट बनाने की बात करते हैं जो गाँव के लोगों के नज़दीक हो और असल स्वराज की प्राप्ति के लिए काम करे। गांधी जी इस यूनिट के कार्यकर्ताओं की भूमिका पर भी बात करते हैं कि कार्यकर्ताओं को खादी पहनना चाहिए, शराब से दूर रहना चाहिए और किसी को अछूत नहीं समझना चाहिए। साथ ही उसे सभी धर्मों का आदर सम्मान करना चाहिए और सभी के लिए समान अवसरों पर काम करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है
कि कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाने की बजाय गांधी जी असल में आने वाले समय और परिस्थितियों के मुताबिक कांग्रेस की एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर भूमिका में बदलाव चाहते थे। अब गांधी जी के इस लेख को कांग्रेस के विरोधी इस तरह प्रचारित करते हैं कि गांधी जी कांग्रेस का खात्मा चाहते थे और बाकी वर्ग इसे गांधी जी की कांग्रेस को दी गई एक सलाह की तरह देखते हैं जिसमें पूरे देश का भला निहित था। हालांकि विपक्षी नेताओं की इच्छा के अनुसार ना तो फिलहाल कांग्रेस देश से खत्म हुई है और ना ही कांग्रेस ने गांधी जी की सलाह को ही माना है। बाकी आपको ये एक्सप्लेनर अच्छा लगा हो तो किस्सा अनकट को अपना प्यार दीजिए और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं अनकट। शुक्रिया।